Hello students, today we are going to read unit 6 and chapter 1 class discussion, recite and discuss. In the class discussion, ध्यान दीजिएगा, let's read, let me choose a beautiful color, I think pink will be better. So in the class discussion, Jane, you hardly said a word. Jane, class discussion में तुमने शायद ही कोई शब्द कहा हो. We all aired our opinions. Aired का मतलब है made public, यानी सबको कह दिया. We all aired our opinions. हमने हमारे विचार सभी को कह दिया. From you, we bravely heard. But from you, we bravely heard. पर तुमसे हमने, हाँ barely, sorry, क्षमा कीजिएगा, barely है. From you, we barely heard. पर तुमसे तो हमने शायद ही कुछ सुना. फिर से देखते हैं. In the class discussion, देखेंगे. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. Jane, class के discussion में तुमने शायद ही कभी कोई शब्द कहा हो. We all aired our opinions, but from you we barely heard. हमने सभी तरह से अपने opinions को public के लिए किया या सबके सामने अपनी बातों को रखा, पर तुमसे हमने शायद ही कभी कोई बात सुनी. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. You sat, आप बैठे, and stared in silence, और शांत बैठ कर जो है तुम घूर घूर के देखते रहे. Stare यानी होता है घूर घूर के देखना. You sat and stared, आप बैठ गए और घूर घूर के देखते रहे. In silence, शांति में. और surrounded by the chatter, आसपास तुम्हारे बातें होते रही. Now tell me, Jane, अब मुझे बताओ Jane, and please be plain. और अब बहुत ही बी प्लेन का मतलब है फ्रेंकली कहिए, ओपनली कहिए. इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई बात है. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जेन ने ऊपर की तरफ देखा और फिर कहा. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ स्पष्ट थी और लो थी, धीमी थी. देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं. Who are rather quiet, you know, कैसे जानते हैं. Who are rather quiet, एकदम शांत हैं. You know, तुम जानते हो, ठीक है, तुम जानते हो जो कैसे हैं, बहुत ही शांत हैं. फिर से देखते हैं. Jane looked up and then she spoke. Jane ने ऊपर की तरफ देखा और कहा. Her voice was clear and low, उसकी आवाज़ स्पष्ट थी और नीची थी, थोड़ी धीमी थी. There are many people in this world, है ना, उसकी आवाज़ कैसी थी, एकदम स्पष्ट थी और थोड़ी धीमी थी. और क्या बोला उसने कि देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो, तुम दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तुम जानते हो, जो कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा कि जेन जो है थोड़ी कैसी बच्ची है, रिजर्वड नेचर की बच्ची है, जो ज़्यादा बातें नहीं करती है. ये पोएम लिखी हुई है गर्विज फिन की लिखी हुई है. और आगे बढ़ते हैं. यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स हैं. डिस्कशन का मतलब है टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक. मेक पब्लिक. बेयरली का मतलब है ओनली जस्ट. और स्टेयर का मतलब है लुक फिक्सली विथ आईज ओपन वाइड ओपन. प्लेन का मतलब है क्लियर. आगे देखते हैं. लेट्स रीड एक्सरसाइज. व्हाट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास. तो डिस्कशन वाली एक्टिविटी चल रही थी. So the discussion, the activity going on in the class was discussion. Who was the quiet one in the class? कौन शांत था क्लास में? Why was she quiet? वह शांत क्यों थी? She was afraid to air her opinions. वह अपने विचार रखने को डरी हुई थी. She hated the noise. उसे शोर से नफरत थी. She didn't like the activity. उसे एक्टिविटी पसंद नहीं थी. शी वॉज क्वाइट बाई नेचर. वह स्वभाव से शांत थी.
क्या था आपको चुनना है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस। आप डिस्कशन के टाइम में आप कैसे बातें करते हैं, कैसे रहते हैं क्लास में। डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट, क्या आप उसमें हिस्सा लेते हैं या आप शांत रहते हैं। आगे देखते हैं, थिंक एंड राइट। आगे है, चूज टू फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दो मित्रों को चुनना है सर, थिंक और राइट करने के लिए, सोचना है और लिखना है। तो दो फ्रेंड्स के बारे में सोचो आपकी क्लास में जो बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से, और यूज़ द क्लूज इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर। यू मे ऑल्सो एड योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम। आप चाहें तो खुद के भी वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ के वर्ड्स को आपको इस्तेमाल करना है बताने के लिए कि वो कैसे हैं, नॉटी हैं, क्वाइट हैं, लाइवली हैं, फ्रेंडली हैं, शेयरिंग है, हेल्पफुल है, केयरलेस हैं, रेगुलर हैं, स्टडियस हैं, स्टडियस यानी मेहनती, और चीयरफुल हैं या खुश हैं, कैसे हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है। तो ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। दूसरा क्या है कि अब ये एक्सरसाइज देखते हैं, व्हाट इज़ अ डिस्कशन, लेट्स टॉक। ये सिर्फ बातें करने के लिए, तो ये एक्सरसाइज को आपको नहीं करनी है कॉपी में। व्हाट इज़ अ डिस्कशन, डिस्कशन क्या है। टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग। टू डिस्कस का मतलब है कि साथ में बात करना, कुछ डिसाइड करना। व्हेन यू डू दिस, आप जब ये करते हैं, यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन, तब आप एक डिस्कशन में पार्ट ले रहे होते हैं। रीड द सेंटेंसेस बिलो दैट टेल अस व्हाट हैपेंस इन अ डिस्कशन। नीचे के सेंटेंसेस को पढ़िए, वो हमें बताते हैं कि डिस्कशन में क्या होता है। इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज़ वन बाय वन। एक डिस्कशन में हर आदमी अपने आइडियाज़ वन बाय वन देता है। सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन, कुछ बताते हैं कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। अदर्स में टेल हाउ, और कुछ बताते हैं कि कैसे किया जाना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम। पार्टिसिपेंट्स जो है वो प्रश्न पूछते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। मेनी आइडियाज़ आर गिवन, एवरी वन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज़ आर द बेस्ट। ठीक है, तो मेनी आइडियाज़ आर गिवन, बहुत सारे आइडियाज़ दिए जाते हैं। एवरी वन हेल्प्स टू डिसाइड, हर कोई हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए विच आइडियाज़ आर द बेस्ट, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से आइडियाज़ बेस्ट हैं। नोट द पॉइंट इज यू माइट डिस्कस, नोट द पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा, नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क। कोई पार्क जाना है तो पार्क जाने के पहले आप क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं इसको नोट करिए। चूज अ डे एंड टाइम, एक दिन और एक समय को चुनिए। व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले, आप क्या चीज़ लेके आएंगे वहाँ खेलने के लिए। असाइन ड्यूटीज, ड्यूटी दे दीजिए सबको, काम दे दीजिए। थिंग्स टू ईट, क्या क्या चीज़ें खाएंगे आप। लुक एट द पिक्चर इन द पोएम, है ना, पोएम में तस्वीरों को देखिए। इमेजिन एंड राइट व्हाट द डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट, इमेजिन और राइट करो कि किस बारे में है डिस्कशन। फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो बाय असाइनिंग क्वालिटीज टू ईच पर्सन, सम क्लूज आर गिवन हियर टू हेल्प यू। संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू अ पार्टनर। अब देखो, अब यहाँ क्या करना है, कुछ क्लूज दिए हैं आपको, ज़रा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर, संगीता अपने पार्टनर को एक पेंसिल उधार देती है। तो अब संगीता में कौन सी क्वालिटी है, नाम लिखा है संगीता का, ब्रेव है क्या, नॉटी है क्या, क्वाइट है क्या, टॉकेटिव है, जेनरस है, स्टडियस है। तो जेनरस किसको कहते हैं, जो सबको दे देता है। तो संगीता कैसी है, जेनरस है। नीरव इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ चटर बॉक्स, नीरज को चटर बॉक्स भी कहते हैं। चटर बॉक्स मतलब जो ज़्यादा बात करता है, जो ज़्यादा बात करता है उसको टॉकेटिव कहते हैं। तो नीरव कैसा है, टॉकेटिव है। आगे है, प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक, एक बिल्ली को उसने झील में है ना डूबने से बचा लिया। तो प्रणव कैसा है, ब्रेव है, बहादुर है, जिसने उसको बचा लिया। प्रणव कैसा है, ब्रेव है। तो इस तरह से बाकी का आपको ये देख लेना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या करने कहा गया है। लेट्स रीड एंड डू, अब इन एक्सरसाइजेस को हम पढ़ते हैं और देखते हैं। चिल्ड्रन हु शो एक्सेप्शनल ब्रेवरी आर ऑनर्ड, जो बच्चे जो हैं वो कुछ एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा शौर्य और साहस दिखाते हैं, और ऑनर्ड विद द ब्रेवरी अवार्ड टू रिकॉग्नाइज देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मान्यता प्रदान करने के लिए उनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इन 1957 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दीज नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स। किन्ने 1907 में इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, है ना, बच्चों के विकास उत्थान के लिए जो एक ये जो संगठन है, इन्होंने क्या किया, एक नेशनल ब्रेवरी अवार्ड देना शुरू किया।
ब्रेव चिल्ड्रन आर अवार्डेड कैश प्राइजेज, ब्रेव चिल्ड्रन को जो है कैश प्राइज दिया जाता है, फ्री स्कूल दिया जाता है, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जो है एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड, और रिपब्लिक डे की परेड में वो हाथी पर उनकी सवारी होती है। आगे है, हर्ष श्रीवास्तव अ 12-year-old बॉय एंड हिज 15-year-old सिस्टर रेस्क्यूड अ चाइल्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ अ रेजिंग बुल, ठीक है, रेजिंग बुल। तो एक बहुत ही गुस्सेल सांड ने एक 12 साल के बच्चे पर अटैक कर दिया था। तो हर्ष श्रीवास्तव एक 15 साल के, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक बच्चे पर अटैक कर दिया था। तो हर्ष श्रीवास्तव और उसकी बहन ने, 15 साल की बहन, हर्ष श्रीवास्तव की उम्र थी 12 साल और उसकी बहन की उम्र थी 15 साल, दोनों ने एक बच्चे को उस एक भड़के हुए सांड से बचाया, है ना। यमनान जयदेव सिंह 11 साल के हैं, वो एक उफनाती हुई बाढ़ वाली नदी में कूद गए एंड सेव्ड 3-year-old फ्रॉम ड्राउनिंग, और 3 साल के बच्चे को डूबने से बचा लिया। द एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज रिकोगनाइज बिकॉज ही सेव्ड द लाइफ ऑफ एन इन्फेंट, और जो द एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज रिकोगनाइज, उसकी शूरवीरता का जो है एक्ट जो है जो कार्य है उसको मान्यता प्रदान की गई, बिकॉज ही सेव्ड द लाइफ ऑफ एन इन्फेंट, क्योंकि उसने एक नवजात शिशु के जीवन को बचाया था। फाइंड वन स्टोरी ऑफ ब्रेवरी अबाउट चाइल्ड, तो एक स्टोरी बताइए कहाँ है ना ब्रेवरी की, किसकी, शूरवीरता की या किसी के साहस की, किसी बच्चे की। यू कैन सर्च फॉर द स्टोरी बाय टॉकिंग टू अदर पीपल, आप दूसरे लोगों से बात करके आप सर्च कर सकते हैं, और वाचिंग अ टीवी प्रोग्राम ऑफ और फ्रॉम अ फिल्म, कोई टीवी प्रोग्राम देख के भी पता कर सकते हैं या फिल्म देख के भी पता कर सकते हैं। राइट डाउन द स्टोरी, ऑल्सो मैंशन इट सोर्स, स्टोरी भी लिखें, सोर्स भी नाम दीजिएगा ज़रा। नरेट द स्टोरी टू द क्लास, पूरी क्लास को स्टोरी बताएं, विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी, राइट डाउन योर रीजन्स, अपने रीजन्स को लिखिए। अब हम आज सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं कि राइटिंग अ नोटिस, है ना, राइट अ नोटिस, कैसे लिखते हैं नोटिस। अ नोटिस टेल्स हु व्हेन वेयर एंड व्हाट, वो नोटिस बताता है कि कौन किया, कब किया, कहाँ किया, क्या किया। द गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ क्लास फिफ्थ रोट नोटिसेस फॉर द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड जो होता है ना बाहर, नोटिस टाइप का बोर्ड होता है जिसमें नोटिस वगैरह लगाते हैं उसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। तो उन्होंने एक नोटिस लिखा, रीड शीलाज नोटिस, डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलो, अब शीला का नोटिस पढ़िए और जो क्वेश्चन है उसके बाद में उसको देखिए। तो नोटिस को पहले हम पढ़ते हैं अच्छी तरह से इनलार्ज करके। तो यहाँ पे दिया है नोटिस, द ड्रामा कमिटी विल मीट इन द कमिटी की स्पेलिंग देखिए, COMMITTEE, है ना, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, आप अच्छे से ध्यान देंगे। द ड्रामा कमिटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे, ड्रामा कमिटी क्लासरूम में मंडे को मिलेगी, एट 2:00 वी विल प्लान अ प्ले फॉर अवर एनुअल डे, विल ईच वन ऑफ यूर प्लीज ब्रिंग अ प्ले, क्या आप सब लोग एक प्ले लेकर आएंगे, शीला, ठीक है। अब देखेंगे हु वाज टू मीट, कौन मिलने वाला है भाई, कौन मिलने वाला था, तो ड्रामा कमेटी मिलने वाली थी, ठीक है। वेन वर दे टू मीट, है ना, वे कब मिलने वाले थे भाई, हाँ कब मिलने वाले थे, ऑन मंडे मिलने वाले थे। वेयर वर दे टू मीट, कहाँ पे मिलने वाले थे, क्लासरूम में। व्हाट वर दे टू डू, क्या करने वाले थे, प्लान अ प्ले फॉर एनुअल डे करने वाले थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें रहती है एक नोटिस में। आगे है, राइट अ नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमेटी और अ फुटबॉल मैच, राइट अ नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमेटी और अ फुटबॉल मैच, तो लाइब्रेरी कमेटी या फुटबॉल मैच का आपको एक नोटिस लिखना है। तो इसी के साथ ये लेसन का एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर ख़त्म होता है, और जो भी एक्सरसाइजेस की जगह बुक में दी हुई है उन एक्सरसाइजेस को आपको बुक में ही करना है, और बाकी की एक्सरसाइजेस आप अपनी इंग्लिश फेयर कॉपी में करेंगे। लेट्स रीड एक्सरसाइज को भी आपको इंग्लिश फेयर कॉपी में करना है। चलिए आज की इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नया लेसन लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।